हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में किस तरह से लिख के आना है। तो आज का जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है एमएससी फिजिक्स पेपर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, और यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रूव कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो कर्ल है वो जीरो होता है। या ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में कंजर्व होता है, कंजर्वेटिव होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें उसके पहले, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें बोला है प्रूव दैट द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करेंगे। वॉल्यूम एलिमेंट हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, ये वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो हमने कंसीडर कर लिया डीवी। ठीक है, इसका वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया डीवी, और ये वॉल्यूम एलिमेंट ओरिजिन से, ये अगर एक्स डायरेक्शन है, ये अगर वाई डायरेक्शन है, तो यहां से ये डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है उसको लिख दिया मैंने आर प्राइम। यहां से किसी डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट p है, उस पॉइंट p पर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे को वैल्यू चाहिए, और यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट p को मैंने मिला दिया। ठीक है, अब जो ये dv है ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। लेट अ वॉल्यूम एलिमेंट dv। तो हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया dv, और इस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वॉल्यूम एलिमेंट, इस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी, एलिमेंट की वजह से इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर वेक्टर में लिखना है तो यूनिट वेक्टर से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यूनिट वेक्टर जो है आर के, वो किसके बराबर होगा, वो होगा वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हमें गिवन है तो हम उस वॉल्यूम एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, हम वॉल्यूम एलिमेंट का चार्ज निकाल सकते हैं। सिंस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी है उसको हम लिखते हैं रो से, वो बराबर होता है किसके, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसका चार्ज। हेंस चार्ज ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट, उसका जो चार्ज होगा डी क्यू, वो किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू डीवी। यानी कि ये जो इक्वेशन है, कौन सी वाली, ये वाली, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं dq की वैल्यू को रिप्लेस करके लिख दूंगा किससे, रो dv से। तो e जो वैल्यू है e, वो किसके बराबर हो जाएगा, k, और इसकी जगह आप लिख दोगे रो dv अपॉन r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r के। अच्छा, जब आप रो लिखोगे तो यहां से आप एक डायरेक्शन और दर्शाओगे, क्या शो करोगे कि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इस ओ से आर प्राइम डिस्टेंस पर है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप के रो, और इसको लिख दोगे आर प्राइम यहां पर। ठीक है, और ये डीवी अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आर यूनिट वेक्टर है इसको लिख रहा हूं आर वेक्टर अपॉन, ये हो जाएगा आर। तो यहां पर मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा के आर प्राइम डीवी ऑन, ये हो जाएगा आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो कर्ल ऑफ ई है वो क्या है, जीरो है। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान लो ये इक्वेशन दो है, इक्वेशन दो का मेरे को कर्ल वेक्टर करना पड़ेगा। तो कर्ल वेक्टर करें कैसे करेंगे, मैंने लगा दिया यहां पर डेल्टा और ये हो गया ई, तो डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट ई, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है साहब क्या, के रो आर प्राइम डीवी
अपॉन ये r वेक्टर यहाँ आ गया और ये हो गया r क्यूब। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन के रो r प्राइम dv, ठीक है, और इसको भी लिख दिया मैंने डेल इंटू r प्राइम r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। तो अगर मैं ये इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं और ये जो सारा है कांस्टेंट, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा क्रॉस डेल्टा कर e की। तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो चीज लिखी है डेल्टा क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको अलग लिख लो, डेल्टा क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि वी नो दैट जो r होता है वो है पोजीशन वेक्टर, r इज अ पोजीशन वेक्टर, r जो होता है वो कौन सा वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होता है। तो r वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसके बराबर होता है। और इसका जो मॉड है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें वैल्यू चाहिए r वेक्टर अपॉन r क्यूब की। तो r वेक्टर अपॉन r क्यूब जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा r वेक्टर अपॉन r क्यूब डेल्टा इंटू वन अपॉन r क्यूब। r वेक्टर को मैंने कैसे लिख दिया, इसको लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे इस तरह से लिख दिया, लिखा जा सकता है ऐसे, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो डेल्टा क्रॉस ये लिखा जाएगा x अपॉन r क्यूब i कैप प्लस y अपॉन r क्यूब j कैप प्लस z अपॉन r क्यूब k कैप, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमें एक चीज ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट के रूप फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, सदिश गुणनफल होते हैं, उनको हम सारणी के रूप में भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास ये लिखा हुआ है डेल्टा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। फिर ये बनेगा एक्स अपॉन आर क्यूब वाई अपॉन आर क्यूब और z अपॉन r क्यूब, ठीक है, ये वाला r क्यूब। अब सवाल ये आ रहा होगा कि साहब आपने ये कैसे लिखा, डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z। ये जो डेल ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z, और यहाँ क्या लगा होता है, प्लस लगा होता है, प्लस माइनस जो भी साइन होते हैं वो लगे होते हैं। तो ये जो डेल ऑपरेटर है इसकी जगह मैंने लिख दिया डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z। अब हमें क्या करना है, हमें इस डिटर्मिनेंट को यानी कि सारणिक को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले पहला रो पहली कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि आई कैप को बाहर, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या बनेगा, ये बनेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो यहाँ बना वन अपॉन आर क्यूब। फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा डेल वाई अपॉन डेल जेड और वन अपॉन आर क्यूब। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को दबाओगे यानी कि इसको दबाओगे, इसको दबाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, इन दोनों का बनेगा, तो माइनस लगेगा पहले यहाँ जे में और माइनस जे कैप, तो ये बनेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स वन अपॉन आर क्यूब और ये बनेगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड वन अपॉन आर क्यूब, ये बन गया, ये आर ये इस तरह से है ना, ये इस तरह से। फिर हमें निकालना है तीसरा कौन सा के कॉम्पोनेंट, तो के कैप के लिए तीसरा कॉलम तीसरा रो, तो तीसरा कॉलम तीसरा रो यानी कि ये गया, ये गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों का होगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स वन अपॉन आर क्यूब माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई वन अपॉन आर क्यूब। एक चीज देखो यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, सिमिलरिटी क्या है, यहाँ जेड वाई आया है यहाँ वाई जेड आया है, यहाँ जेड एक्स आया है यहाँ एक्स जेड आया है, यहाँ वाई एक्स आया है यहाँ पर एक्स वाई आया है, और वन अपॉन आर क्यूब हर किसी से क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। यदि मैं किसी एक को सॉल्व कर लूँ तो बाकी जो सभी है सभी के सभी हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी, लगभग सिमिलर रहेगी। तो मैं एक उठा लेता हूँ, कौन सा उठा लूँ, मैं ये उठा लेता हूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई और वन अपॉन आर क्यूब, इसकी वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई
वन अपॉन आर क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इस आर को पहले तो आप वैसे लिख लो जैसा कि हम यूजुअली लेते आए हैं आर क्यूब, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, जेड पहली चीज तो कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकालो, तो इंटीग्रेशन हो गया डेल अपॉन डेल वाई वन अपॉन आर क्यूब। तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आर क्यूब ऊपर ऊपर चला जाएगा तो डी अपॉन डेल वाई और ये आर की पावर माइनस थ्री, इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन माइनस थ्री जेड अपॉन ये होगा आर पावर फोर और उसके बाद ये बनेगा डी आर अपॉन डी जेड डी आर अपॉन डी वाई सॉरी ये बनेगा डी आर अपॉन डी वाई। डी आर अपॉन डी वाई का आपको सॉल्व करना है, तो डी आर अपॉन डी वाई को कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां लिख लेता हूं इसको अलग से, माइनस थ्री जेड अपॉन आर पावर फोर। डी आर अपॉन डी वाई को कैसे सॉल्व करोगे, आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर आपके पास क्या था, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप और प्लस जेड के केप, और इसका जो मॉड आया था वो कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। तो माइनस थ्री जेड अपॉन आर पावर फोर, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल वाई और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस थ्री जेड अपॉन आर पावर फोर, ऐसा का ऐसा रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो पहले ये जो रूट है वो सॉल्व होगा, यानी कि वन अपॉन टू, और ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर सॉल्व होगा तो ये बनेगा टू वाई, तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वापस से किसके बराबर है, आर के बराबर। तो ये पूरी वैल्यू जो सॉल्व होकर है ये कितनी बनेगी, माइनस थ्री जेड वाई अपॉन आर पावर फाइव, ये वैल्यू बन जाएगी माइनस थ्री जेड वाई अपॉन आर पावर फाइव, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, तो ये वैल्यू बनी किसकी, डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये वैल्यू किसकी बनी है, डेल जेड अपॉन डेल वाई और वन अपॉन आर क्यूब की। तो सिमिलरली बाकी की जो वैल्यूज हैं उनको भी हम लिख सकते हैं, बाकी की जो वैल्यूज हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, उनको हम लिखेंगे सिमिलरली डेल वाई अपॉन डेल जेड वन अपॉन आर क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस थ्री जेड वाई अपॉन आर पावर फाइव। इसी तरह से जो वैल्यू होगी डेल जेड अपॉन डेल एक्स वन अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगी माइनस थ्री जेड एक्स अपॉन आर पावर फाइव। इसी तरह से जो वैल्यू होगी डेल एक्स अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगी माइनस थ्री जेड एक्स अपॉन आर पावर फाइव। इसी तरह से जो वैल्यू होगी डेल एक्स अपॉन डेल वाई वन अपॉन आर क्यूब, ये इक्वल्स टू हो जाएगी माइनस थ्री एक्स वाई अपॉन आर पावर फाइव, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स वन अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगी माइनस थ्री एक्स वाई अपॉन आर पावर फाइव। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर पावर फाइव। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन सी इक्वेशन है इसमें, इस इक्वेशन को आप नंबर दे दो, इसको नंबर दो, आप दो नंबर दे दो, तो इक्वेशन दो में ये सभी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, तो सब्स्टिट्यूट द ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन, इक्वेशन टू को जब आप सॉल्व करोगे तो वो किसकी वैल्यू आ रही है, एक्चुअल में डेल्टा आर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू आ रही है ना। तो वैल्यूज जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आई के पहली वैल्यू क्या लिखी जाएगी, माइनस थ्री जेड वाई अपॉन आर पावर फाइव, फिर जेड वो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो ये बनेगा थ्री जेड वाई अपॉन आर पावर फाइव, फिर माइनस जे यहाँ पर क्या रखोगे, माइनस क्या रखना है, जेड अपॉन एक्स है ना, तो जेड अपॉन एक्स वाले की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ माइनस थ्री जेड एक्स अपॉन आर पावर फाइव, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा थ्री जेड एक्स अपॉन आर पावर फाइव, फिर प्लस के कैप यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये आएगा माइनस थ्री एक्स वाई अपॉन आर पावर फाइव, और माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स वाई अपॉन आर पावर फाइव। एक चीज आपको ये देखने को मिल रही होगी कि ये सब की वैल्यू सेम हो गई जो ब्रैकेट के अंदर है, और वैल्यू सेम हो गई और एक प्लस का हो गया एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो कर्ल अपॉन कर्ल है आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब का, इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये कहाँ से निकला था? ये निकला था इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर जीरो हो गई हमारी तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंस सिंस कर्ल ऑफ आर वेक्टर ऑन आर क्यूब इज जीरो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ई जो है ई ई किसके बराबर था? डेल ऑफ ई, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ई था, डेल ऑफ ई हमने निकाला था, वो किसके बराबर था? के रो आर प्राइम डीवी, और इसको हमने बराबर किया था कर्ल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब के। इसकी वैल्यू हो गई जीरो, इसकी वैल्यू अगर जीरो हो गई तो डेल ऑफ ई भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल ऑफ ई भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से हमें प्रूव हो जाएगा कि जो कर्ल वेक्टर है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है? जीरो होता है। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो यहां से मेरे समझ में ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है और कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व किया है। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने अब तक नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आपके जो डाउट्स हैं या आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।